नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मैंने ट्रेड दिए हुए थे वो स्टॉक्स मैंने बुक करवा दिए हैं, ठीक है। अभी इसलिए रीज़न जो है उनका बुक कराने का ये है, देखिए आप HUL कहाँ 2200-2300 से 2600 के आसपास आ गया है, मारुति कहाँ 8200-8300 के आसपास चल रहा था, अभी वो 8800 के आसपास आ गया। अब क्या है, उसमें पब्लिक घुसेगी तो हो सकता है ऑपरेटर उसको एक बार को घुमा दे, अदरवाइज़ फंड्स की बहुत बढ़िया बाइंग हो रही है, ठीक है, HUL और पहले से हो रही है। अब आगे पता नहीं होगी कि नहीं होगी वो मुझे नहीं पता, इसलिए हमने तो प्रॉफिट बुक करवा लिया, वही मैंने आपके साथ वहाँ शेयर किया। तो स्टॉक्स जो मुझे ठीक लग रहे हैं मैंने जो दिए हैं, ये कमिंस देख लीजिएगा, कमिंस मैंने 1135 के ऊपर बाय दिया है, L&T मैंने 1702 के ऊपर बाय दिया है, HDFC बाय दिया था क्योंकि इसमें लास्ट वीक मुझे बाइंग दिख रही थी बट रिज़ल्ट जो आया वो मार्केट को पसंद नहीं आया, तो HDFC बैंक दोनों ही नीचे हैं तो ये तो ट्रिगर ही नहीं हुआ ट्रेड। तो L&T भैया 1718-1725 आ चुका है L&T, गाड़ी आपकी छूट गई है इसकी भी L&T की, और कमिंस भी 1150 के आसपास आ चुका है तो इसकी भी ट्रेड ये ट्रेन आपकी छूट गई है। फिर भैया ये मैंने हीरो ज़ीरो दे दिया है 36,000 की सी, कोई SL नहीं है इसका, 96 पे ट्रेड कर रही है जुलाई मंथ की, ठीक है, हीरो ज़ीरो, या तो पैसा इसमें गया या इसमें पैसा बनेगा जो भी है, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने यही ट्रेड दिए हैं दोस्तों, निकल गए हैं। अब मैं सुबह सुबह ट्रेड दे देता हूँ यहाँ पे, आप अपस्टॉक्स में लिंक से अकाउंट ओपन कराइए यार, यूज़र आईडी शेयर कीजिए, इसमें ज्वाइन करिए ग्रुप में, और क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए फ्री है। और एक्यूरेसी अब मैं कितनी बार बताऊँ, हर बार तो वीडियो बना कर ट्रेड दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। यहाँ पर बात करें, ये देखिए TCS 3055-2990 पे दिया था मैंने लास्ट वीक, ठीक है, IT सेक्टर मुझे पता था बाइंग आएगी इसमें। मारुति ये देखिए 8880 थोड़ा नीचे आ गया है, अभी इसलिए प्रॉफिट बुक करवाया क्योंकि अब जनता घुस रही है इसमें। अभी अपोलो हॉस्पिटल मुझे ठीक लग रहा है 3900-3, देखिए इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल का डेली चार्ट कहाँ गया, यस डेली चार्ट में ये इसका बहुत अच्छे से सपोर्ट का काम करेगा 3875, ठीक है, 3875 इंट्राडे में अगर 3875 के नीचे ट्रेड करने लगे तो आप निकल जाइए, या फिर आज क्लोजिंग 3900 के नीचे आती है तो भी आप निकल जाइए। मुझे अपोलो हॉस्पिटल 4000 को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है आने वाले 10 से 12 दिन में, ठीक है, देख लीजिएगा, मैंने यहीं आपके साथ बता दिया है। LTI LTTS दोनों बाय करिए, आपके साथ ट्रेड TCS का जो मैंने कल एनालिसिस वीडियो में शेयर किया था उसमें LTTS बाय अच्छा दिख रहा था, ठीक है। तो ये देख लीजिए 3100 के ऊपर चल रहा है, लाल पैथल अब 2000 के ऊपर चले बाय कीजिए, ठीक है। ये देखिए HUL आ गया ना लाल में, ऐसे ही होता है, 4-5 दिन भगाएंगे फिर पब्लिक घुसती है फिर एकदम से नीचे की तरफ पिला देते हैं माल उनको, तो बच के रहिए भाई, इसलिए मैंने वहाँ डाल दिया। और वीडियो भी मेरा बनाने का यही कारण है कि आप लोग को मैं जो पहले काउंटर दिए हुए उनसे निकलवा के नए काउंटर में बताऊँ। तो मुथूट फाइनेंस आप देखिए, मुथूट फाइनेंस अच्छा है, यहाँ से 30 पॉइंट नीचे का SL लगा के 1100 का टारगेट आप रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही है दोस्तों, जिनकी गाड़ी छूट गई है उनको कैचअप मत करिएगा, जो नए आपको दिख रहे हैं जो मैंने वहाँ पे शेयर किए उनको आप देख सकते हैं। और रिलायंस का याद रखिएगा, नीचे 2365 ऊपर 2440 ये जोन के बीचों में ट्रेड करिए, जब पर ये जहाँ से काटेगा वहाँ से 50-60 पॉइंट का मूव आपको सिंगल डे में दे देगा, अगर 1 बजे से पहले भी इसने क्रॉस किया उसके बाद किया तो नेक्स्ट डे दे देगा। तो लेवल मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसको दिमाग में रखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी फिलहाल थोड़े से क्या कहते हैं ठंडे हो रहे हैं, कैप अप के बाद थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, बट स्टिल लेवल याद रख होल्ड पे रखिएगा, दिमाग में रखिएगा 3475 ये बैंक निफ्टी का लेवल है, ये नहीं टूटना चाहिए, ठीक है।